एक बार की बात है, हरिपुर नाम का एक गांव था जहां पर आज भी बैलगाड़ी का उपयोग होता था। लोग गांव से शहर जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि वहां पर शहर से आने जाने के लिए कोई और साधन नहीं होते थे, तो लोग बाग द्वारा एकमात्र बैलगाड़ी का ही उपयोग किया जाता था। तभी एक दिन सभी लोग देखते हैं कि गांव के चौराहे पर एक नई बैलगाड़ी चलाने वाली औरत आई हुई है। दिखने में बहुत सुंदर होती है, बड़ी बड़ी आँखें, गुलाबी होंठ और एकदम गोरा रंग होता है। उसे देखकर तो कुछ गांव वाले उस पर मोहित हो जाते हैं। तभी एक गांव वाला औरत के पास जाकर, क्या आप शहर तक जा रही हैं? हाँ जी, मैं शहर तक ही जा रही हूँ। तो मैं बैठ जाऊँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ, मेरी गाड़ी में आके बैठ जाओ। कितने रुपए लोगी मुझे शहर तक छोड़ने के? जितने रुपए सभी देते हैं उतने ही रुपए आप भी दे देना। कितने देते हैं सब लोग? 50 रुपए। ठीक है, ये लो 50 रुपए। औरत उसे बिठा लेती है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो आदमी देखता है कि बहुत ही डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तभी उस आदमी को उस औरत के पैर दिख जाते हैं। हाय, ये औरत तो एक चुड़ैल है। अब क्या होगा मेरा? अब मैं इस औरत से कैसे बचूंगा? मेरी ही किस्मत फूटी थी जो इस बैलगाड़ी में बैठ गया। हे भगवान, रक्षा करो मेरी, मुझे इस चुड़ैल से बचा लो, आज आज बचा लो। मैं मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाऊंगा भगवान, बचा लो प्रभु बचा लो। औरत चुड़ैल के रूप में आ जाती है और बैलगाड़ी को हवा में उड़ाती हुई ले जाती है। अब तू मेरे से बच के कहाँ जाएगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। मैं इस गांव की किसी भी आदमी को नहीं छोड़ूंगी, धीरे धीरे सबको मार डालूंगी। नहीं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? नहीं, मैं तुझे मार के अपनी भूख मिटाऊंगी। बहुत दिनों बाद ऐसा अच्छा इंसानी मांस खाने को मिलेगा, आज तो मजा आ जाएगा। दूसरे दिन आदमी वहां खड़ा होके शहर जाने के लिए बैलगाड़ी का इंतजार कर रहा होता है। उस आदमी को चुड़ैल का पता नहीं होता है। तभी चुड़ैल उसे वहीं अपनी बैलगाड़ी लेकर आ जाती है। अरे वाह, आज फिर से एक नया शिकार, मजा आ जाएगा। चलो आज इससे पहले कोई दूसरा बैलगाड़ी वाला यहाँ आ जाए और ये आदमी उस गाड़ी में बैठ जाए, इससे पहले मैं ही इसे अपने जाल में फंसा लेती हूँ। आपको कहाँ जाना है? मुझे शहर जाना है। ठीक है, आ जाओ मेरी गाड़ी में, मैं तुम्हें शहर तक छोड़ दूंगी। ठीक है। ऐसा कहते हुए वो उस आदमी को अपनी बैलगाड़ी में बिठा लेती है। फिर कुछ दूर पहुँच कर वापस अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और बैलगाड़ी को पहले की तरह हवा में उड़ाती हुई। ये क्या है, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये बैलगाड़ी हवा में कैसे उड़ने लगी? मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। बचाओ, बचाओ, बचाओ। पहले की तरह इस आदमी को भी मार देती हूँ। इसी तरह चुड़ैल जो भी आता है सबको मारती जाती है। ऐसा करके गांव के आदमी धीरे धीरे कम होते जाते हैं।
फिर गांव का एक आदमी इस सब का पता लगाता है कि गांव के आदमी आखिर गम कैसे होते जा रहे हैं। और सब पता करने के बाद वो आदमी गांव के बाकी लोगों को उस चुड़ैल के बारे में बताता है। फिर गांव के आदमी डर के मारे कुछ दिनों तक शहर आना जाना बंद कर देते हैं। गांव का एक आदमी अपनी पत्नी से, अरे प्रीति जरा देखो तो घर में कितना राशन बचा हुआ है। केवल हफ्ते भर पहले का ही राशन बचा हुआ है, ऐसा कब तक रहेगा? अगर ऐसा ही रहा तो हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। तभी एक आदमी कहता है, अरे ऐसे हम कितने दिन तक शहर नहीं जाएंगे, अपना काम नहीं करेंगे, वो चुड़ैल तो वहीं रहेगी, हमें चुड़ैल का सामना करने के लिए कुछ करना होगा। तभी वो आदमी एक साधु बाबा के पास जाता है और अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब उस बाबा को बताता है कि किस तरह हमारे गांव के लोग एक चुड़ैल द्वारा कम होते जा रहे हैं। यह तो बड़ी ही विचित्र समस्या है। हाँ बाबा, अब बस आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है। तुम चिंता ना करो वत्स, मैं अभी पता लगाता हूँ और तुम्हारी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओम क्लीम ब्रीम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम क्लीम ब्रीम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम क्लीम ब्रीम चामुंडाय विच्चाय नमः स्वाहा। कुछ देर बाद आदमी, क्या हुआ बाबा जी, ये औरत चुड़ैल कैसे बनी और हम सब ने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये हम सबको परेशान कर रही है और गांव के लोगों को एक एक करके मारे जा रही है। रुको वत्स, रुको। और अपनी जादुई शक्ति से उस बैलगाड़ी वाली चुड़ैल का पता लगाता है और बताता है, ये चुड़ैल पहले एक औरत थी जो आप सभी की तरह ही एक दिन बैलगाड़ी से जा रही होती है, तभी तीन चार बदमाश इसकी लूटपाट करके और जबरदस्ती करके इसे वहीं उस बैलगाड़ी में ही आग लगा के मार देते हैं, तभी से ये औरत चुड़ैल बन जाती है और उन चार आदमियों को मारने के बाद उनसे बदला लेकर भी जब इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है तो ये फिर गांव के लोगों को भी परेशान करने लगती है, वह मारने लगती है। तो बाबा हमें क्या करना होगा जिससे उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिले और हम सभी गांव के लोगों के प्राण बच सकें? रुको वत्स, मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। ओम भूर्भुवस्य भूताय नमः। ओम भूर्भुवस्य भूताय नमः। ओम भूर्भुवस्य भूताय नमः। ये सब करने के बाद साधु बाबा अपनी जादुई शक्तियों व अपने जादुई मंत्रों से एक कमंडल अपने पास प्रकट करते हैं। फिर उसी तरह अपनी जादुई शक्तियों से उस कमंडल में पानी प्रकट करते हैं और जपते हैं, ये ले बच्चा, ये जादुई पानी है, उस चुड़ैल पर तीन बार डालने पर चुड़ैल वहीं भस्म हो जाएगी और फिर कभी भी वो किसी को परेशान नहीं करेगी। ठीक है बाबा जी, बाबा जी आपने तो हमारे प्राण ही बचा लिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। दूसरे दिन वही आदमी अपनी हिम्मत करते हुए उसी जगह उसी चुड़ैल के पास पहुंच जाता है और कमंडल को छिपाते हुए उस चुड़ैल की बैलगाड़ी में बैठ जाता है और जैसे ही चुड़ैल बैलगाड़ी चलाने लगती है वो आदमी बड़ी ही चालाकी से बड़ी ही सावधानी से उस कमंडल में से चुड़ैल के ऊपर तीन बार जादुई पानी डाल देता है। मुझे क्या हो रहा है, ना 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 ना, मैं मर नहीं सकती। करती हुई चुड़ैल आखिरकार वहीं पर भस्म हो जाती है और गांव के लोग पहले की तरह ही रहने लगते हैं। ये 10, ये लगाकर 20 और ये 5 मिलकर हो गए 25।
इतने में तो खिलौना आ ही जाएगा। अरे नंदू, तू ये क्या कर रहा है? ये पैसे कहाँ से लेकर आया है? चल हमारे साथ खेल ले। नहीं नहीं, मुझे खेलना नहीं है, मैं तो इन पैसों का खिलौना लेने जा रहा हूँ। कैसा खिलौना? अच्छा तो तू उस खिलौने की बात कर रहा है, मेरी मम्मी तो इतना पैसा भी नहीं देती। अरे मैं तो गुल्लक तोड़कर लेकर आया हूँ ये पैसे, चल मेरे साथ हम खिलौने लेकर आते हैं। अरे बिल्कुल, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तू खरीद लेना, हम दोनों खेल लेंगे। अरे बिजली बहन, मेरे बेटे को देखा है क्या? शाम से नजर नहीं आ रहा। अभी अभी बच्चों से पूछ कर आई थी, कह रहे थे दोनों यहीं पर खेल रहे थे, उसके बाद कहाँ गए उन्हें भी नहीं पता। आते होंगे बच्चे, खेलने में मगन हो जाते हैं ना ये। शाम ढल चुकी थी, नंदू और रिया अब तक घर नहीं आए थे, वहीं दोनों को उनकी माएं ढूंढ रही थी। कुछ समय बाद नंदू घर आता है और आते ही सीधे अपने कमरे में जाकर अपने बेड के चादर के नीचे खिलौना छुपा देता है। बिना हाथ पैर धोए कमरे में चला गया। अरे कहाँ था तू? मैं तो यही खेल रहा था, माँ आपने मुझे देखा नहीं होगा। हाँ हाँ, मेरी तो आंखें ही खराब हो गई हैं। चल अब हाथ पैर धोकर पढ़ने बैठ जा, खाना बन जाएगा तो खाना लगा दूंगी तेरे लिए। नंदू हाथ पैर धोने के बाद अपने कमरे में किताब लेकर बैठ जाता है, लेकिन उसका ध्यान खिलौने पर ही था और वो खिलौने को अपने गोद में रखकर उसे देख रहा था। खिलौना उसे बहुत पसंद आता है। आज से तू मेरा जिगरी यार है और आज से तेरा नाम टुक टुक। नंदू खिलौने से बात कर ही रहा था कि तभी उसके कमरे में चंदा का आना होता है। अरे किससे बातें कर रहा है? पढ़ने लिखने में तो तेरा ध्यान ही नहीं है। अरे माँ मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, आप तो खामखा मुझे डांटती रहती हैं। नंदू पढ़ने से ज्यादा अपने खिलौने पर ध्यान लगाए हुए था। कुछ देर बाद नंदू अपने माता पिता के साथ खाना खाकर सोने चला जाता है और अपने दोस्त टुक टुक से बातें करता हुआ सो जाता है। अब करीब रात के 2 बजे नंदू का लाया हुआ खिलौना बजने लगता है और नंदू की नींद खुल जाती है। अरे आवाज नहीं करते, अगर माँ जग गई और उन्हें पता चल गया कि ये खिलौना मैं उनसे बिना पूछे लेकर आया हूँ तो वो मुझे बहुत सुनाएंगी। चुप हो जा। नंदू इतना कहकर खिलौने को बंद कर देता है, लेकिन अब खिलौना खुद ब खुद चलने लगता है और अपने आप ही दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के खुलते ही नंदू उस खिलौने की तरफ सम्मोहित हो जाता है। वो अपने वश में नहीं था और वो उस खिलौने के पीछे पीछे घर से बाहर निकल चुका था। अब अगली सुबह। अजी उठिए, घोड़े बेचकर सो रहे हैं, वहां अपने कमरे में नंदू नहीं है। मैंने उसे चारों तरफ ढूंढ लिया, आस पड़ोस सब जगह तलाश लिया, लेकिन कहीं नहीं है हमारा नंदू। अरे उसके साथ के बच्चे तो अपने अपने घरों में बैठे हैं। सब जगह पूछकर आ गई हूँ, सारा गांव छान लिया, लेकिन हमारा बेटा कहीं नहीं है। पवन भी जब नंदू के गुम होने की बात सुनता है तो वो पूरे गांव में नंदू को ढूंढता है, बच्चों से पूछता है, लेकिन नंदू कहीं नहीं मिलता। इधर रिया भी बहुत घबराई हुई थी कि आखिर नंदू कहाँ चला गया। गांव में नंदू के जाने के बाद दहशत था, लेकिन करीब 1 सप्ताह बाद गांव से एक और बच्चा गायब हो जाता है और ये खबर सुनकर चंदा की पड़ोसन बिजली चंदा के घर आती है। अरे चंदा बहन, तुम्हें मालूम है अपनी लता बहन का बेटा नहीं मिल रहा है, यानी वो अपने नंदू की तरह अगवा हो गया है। हमारे गांव में कौन बच्चे चोरी कर रहा है, न जाने मेरा नंदू कहाँ होगा। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है बहन, बच्चों पर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा, न जाने कौन हमारे बच्चों को अगवा कर रहा है, जरूरी है किसी गुंडे मवाली का काम है। क्या बिगाड़ा है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने, मेरा नंदू मेरे बिना खाना भी नहीं खाता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे गांव से बच्चे अगवा हो रहे थे और गांव के लोग परेशान थे कि बच्चों को चुरा कौन रहा है। एक रोज रात को गांव का मुखिया मील से काम करके लौट रहा होता है, उसकी साइकिल खराब हो चुकी थी और साइकिल को लेकर वो अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। एक तो मेरी साइकिल ने मुझे धोखा दे दिया, अंधेरा मुझे और डरा रहा है, हे प्रभु मुझे सही सलामत घर पहुंचा देना। सुखिया खुद से बातें करते हुए गांव की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी नजर खुद से चल रहे खिलौनों पर पड़ती है और उसके ठीक पीछे एक बच्ची चल रही होती है और वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि रिया थी। एका देख लिए हम, एक खिलौना चल कैसे सकता है, खिलौना के पीछे ही बच्ची, कुछ समझ नहीं। रिया ने कल शाम ही खिलौना खरीदा था और वो खिलौना रिया को सम्मोहित करके चुड़ैल की गुफा की तरफ ले जा रहा था। अब सुखिया जब रिया को खिलौने के पीछे बेसुध हाल में चलता हुआ देखता है
तो जल्दी से सुखिया गांव में पहुंचता है और गांव के लोगों को नाम लेकर पुकारने लगता है। अरे गांव वालों, पवन भाई, बिजली भाभी, अरे जल्दी बाहर आओ, आप लोगों को कुछ जरूरी बात बतानी है। अरे सुखिया भैया, क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हो, वो भी इतनी रात को? गजब हो गया, गजब हो गया, अभी अभी मैंने एक बच्ची को जंगल की तरफ जाते देखा है, वो भी एक खिलौने के साथ। बिजली भागी भागी रिया के कमरे में जाती है, लेकिन रिया कमरे में नहीं होती। अब बिजली रोने धोने लगती है, लेकिन गांव वाले बिजली को चुप कराकर उसे जंगल की तरफ चलने को कहते हैं, जहां सुखिया ने उस बच्ची को जाते हुए देखा था। अब सभी गांव वाले जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ता है। ओ ना हो इस गुफा में ही बच्चे कैद है, और देखो गुफा से अजीब अजीब आवाज भी आ रही है। मेरी रिया ना जाने कैसी होगी। हिम्मत रखो बहन, गांव के सभी बच्चे यही हो सकते हैं। इतना कहकर गांव के लोग उस गुफा में दाखिल हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि गुफा में चुड़ैल ने बच्चों को बंदी बना रखा है। आज लाल चांद की रात है, आज की रात तुम सभी इंसानी बच्चों की बलि देकर मैं अपने बच्चे को चुड़ैल लोक में जगह दे पाऊंगी। चुड़ैल, मेरा नंदू। अरे चुप, एकदम बात करने की जरूरत नहीं है, अगर उस चुड़ैल को पता चल गया हम सब यहाँ हैं, तो वो हमारे बच्चों को मार डालेगी। गांव के बाकी बच्चे भी यहाँ हैं, यानी ये चुड़ैल सभी बच्चों को खिलौनों के जरिए सम्मोहित करके यहाँ तक लेकर आई है। देखो पास में कितने सारे खिलौने रखे हैं, सारे भूतिया खिलौने हैं। हाँ बिजली बहन, ये सब इस भूतिया खिलौने की वजह से ही हुआ है। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्हें पता नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो तुम लोगों को खिलौनों के जरिए सम्मोहित करके मैं यहाँ तक लेकर आई हूँ, और अब मैं तुम लोगों की बलि देकर उस तांत्रिक बाबा की कही हुई बातों को सच करूंगी। मेरे बेटे को उस वक्त चुड़ैल लोक से निकाल दिया गया था जब उसने जाने अनजाने में चुड़ैल लोक के तांत्रिक बाबा के यज्ञ को भंग कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम लोगों की बलि देकर अपने बेटे को लेकर चुड़ैल लोग वापस चली जाऊंगी। लेकिन हमारी गलती क्या है, हमने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, और आपने मुझे कई दिनों से यहाँ कैद कर रखा है, मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बिगाड़ा तो मेरे मासूम बेटे ने भी किसी का कुछ नहीं था, लेकिन उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। मेरे मासूम बेटे पर गांव के जमींदार ने झूठा चोरी का आरोप लगाया, और जब मैंने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की तो पूरे गांव वालों के सामने हम दोनों को जमींदार ने मौत के घाट उतार दिया, और पूरे गांव वाले हमारी मौत का तमाशा देखते रहे। तो भला अब मैं किसी को कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं अपना बदला लूंगी, सबको मार डालूंगी। इतना कहने के बाद चुड़ैल अपने हाथों को आगे करती है और उसके हाथों में एक धारदार चाकू आ जाती है। जैसे ही वो एक बच्चे को पकड़कर उसकी बलि देने वाली होती है, तभी वहाँ चुड़ैल का बच्चा आ जाता है। रुक जाओ माँ, आप इन बेकसूरों को मत मारो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इनकी भी जान मेरी तरह जाए। लेकिन अगर मैंने उनकी बलि नहीं दी तो चुड़ैल लोक में जगह नहीं मिलेगी मेरे बच्चे। नहीं माँ, हमें चुड़ैल लोक में नहीं जाना, हमारे पास जो भी थोड़ी बहुत शक्ति है उस शक्ति के सहारे हम इस गुफा में रह लेंगे, लेकिन इन बेकसूर बच्चों की जान नहीं लेंगे। जरा सोचिए माँ, अगर इन बच्चों की जगह मैं होता और उनके माता पिता की जगह आप मुझे ढूंढ रही होती, तो क्या आप ये सब देख सकती थी, सह सकती थी? नहीं ना, तो आप उनकी जान बख्श दीजिए। बड़े ही प्यार से चुड़ैल का बच्चा चुड़ैल को समझा रहा होता है, लेकिन वो रिया को उस वक्त छोड़ देती है, और चुड़ैल की आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगती है, और उस वक्त वो अपने जादू से उन बंदी बच्चों को आजाद कर देती है और हमेशा हमेशा के लिए उस गुफा में अपने बच्चों के साथ रहने का मन बनाती है। इधर गांव वालों को उनके बच्चे मिल जाते हैं, और दूसरी तरफ चुड़ैल को शांतिपूर्ण जिंदगी जीने का नया रास्ता।